ग्लास ओनियन ये एक मर्डर मिस्ट्री मूवी है जिसको नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज किया गया है। दरअसल इस मूवी को पहले यूएस में 10 सितंबर को रिलीज किया गया था लिमिटेड थिएटर्स और लिमिटेड डेज के लिए, लेकिन फाइनली जाके ये मूवी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। इस मूवी से जुड़ी एक और बात यह है कि ये मूवी सीक्वल है 2019 में आई नाइज आउट मूवी का, जो कि काफी ज्यादा मजेदार रही थी। और इस मूवी का पूरा नाम भी ग्लास ओनियन नाइव्स आउट मिस्ट्री है। वैसे तो इस मूवी को देखने के लिए आपको पुरानी 2019 की नाइव्स आउट मूवी देखना जरूरी नहीं है, फिर भी मैं रेकमेंड करूंगा कि आप वो मूवी एक बार जरूर से देख लें। तो अब मैं अपना रिव्यू इस मूवी के बारे में देने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब हम हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। इस मूवी में हमें लीड रोल में डेनियल क्रेग, जो कि एक जासूस यानी डिटेक्टिव के रोल में नजर आएंगे। सबसे पहले मैं इस मूवी की कहानी के बारे में आपको समझा देता हूँ, उसके बाद बाकी चीजों के बारे में धीरे धीरे बात करेंगे। कहानी हमें कुछ ऐसी दिखाई गई है कि एक टेक बिलियनर होता है जिसका नाम माइल्स बताया गया है। वो अपने कुछ दोस्तों को इन्वाइट करता है अपने ग्रीक आइलैंड पर, लेकिन उन दोस्तों में से किसी एक दोस्त का मर्डर हो जाता है। अब ये मर्डर किसने किया है वो आपको देखना है इस मूवी में। अब इस मूवी के अच्छी चीजों के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहला है ट्विस्ट एंड टर्न्स, क्योंकि इस मूवी में कब क्या हो जाए वो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसके साथ साथ आप इनके कैरेक्टर्स के साथ भी कनेक्ट हो जाते हो। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कह देता हूँ कि इसमें आपको जेम्स बॉन्ड मूवी की तरह भारी भरकम एक्शन सीन्स देखने को नहीं मिलेंगे। इस मूवी का बजट सिर्फ 40 मिलियन बताया गया है, लेकिन इस मूवी की स्टोरी और इसके ट्विस्ट एंड टर्न्स हमें आखिर तक बांध के रखते हैं। सच कहूं तो ये मूवी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। अब चलिए कुछ नेगेटिव चीजों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला है कुछ सीन्स को बेफालतू में लंबा खींच देना। इस मूवी में कुछ ऐसे सीन्स भी जिनको बेफालतू में लंबा खींचा गया है, जिसके पीछे मकसद सिर्फ इस मूवी के लेंथ को बढ़ाना था। स्पेशली सेकंड हाफ के बीच में ये चीजें होती है, जिस वजह से मुझे थोड़ी बहुत बोरिंग फील जरूर हो रहा था। इस मूवी की लेंथ लगभग 2 घंटे 15 मिनट की है, जो इस मूवी की स्टोरी के हिसाब से थोड़ी सी बड़ी है। लेकिन जो भी कहो, मुझे ये मूवी काफी ज्यादा पसंद आया और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस मूवी को एक बार ट्राई करके जरूर देखें। इस मूवी में शुरुआत में वुमेन ऑर्गन्स को लेकर थोड़ी सी बात और स्विमिंग पूल सीन्स दिखाए गए हैं, तो फैमिली के साथ देखना ना देखना ये आपके ऊपर है। और ये मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है, आप सब जरूर से चेकआउट कीजिएगा। और आखिर में मैं इस मूवी को 10 में से 6 की रेटिंग दूंगा। और इसके साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले किसी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।